यहाँ से हमें लेना है पास, वो लेके हम लोग जाएंगे नेकलेस वाटरफॉल और तीन चार वाटरफॉल है। मस्त प्यारा सा ब्रिज बना हुआ है। तो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको नेकलेस वाटरफॉल के पास। ये चेक करो, क्या प्यारा लग रहा है, क्या मस्त लग सामने देखो क्या प्यारा व्यू है। तो नेकलेस वाटरफॉल जो है वो यहाँ से 30 किलोमीटर जैसा है। रोड चेक करो क्या मस्त है, साइड पे ऐसे बड़े बड़े पेड़। भाई हम लोग कहीं अलग ही दुनिया में आ गए ऐसा लग रहा है, क्या प्यारा है। हाँ ऐसे छोटे छोटे पहाड़ आते रहे तो छोटे छोटे घाट सेशन बहुत ही प्यारे है। और कॉर्नरिंग करने में मज़ा आ रहा है, छोटा सा पहाड़ और यहाँ से हम लोग कॉर्नरिंग करेंगे और सब कुछ। नहीं लेकिन हमें जाना सीधा, इस पे नहीं जाना है। तो भी क्या है, ये व्यू चेक करो आप। और यहाँ के भी घाट सेशन मस्त एकदम। ये देखो हम लोग वहाँ से आए, ये एक नया नज़ारा। ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा है। क्या खतरनाक घाट है, और रोड पे मिट्टी भी आ गई है। बाइक चलाने का बहुत मजा आ रहा है। और ये देखो वहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है। वो देखो वो। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बाइक पार्क की है और ये रहा सामने का व्यू। वहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल है, बहुत प्यारा, छोटा नहीं बहुत बड़ा है भाई। और पूरा देखो कितने वहाँ तक है पहाड़, बहुत प्यारा लग रहा है। वहाँ से आगे आते ही ये प्यारा व्यू। यहाँ पे कहाँ देखो कुछ समझ में, इधर देखो तो कुछ नया, इधर देखो तो कुछ नया, लेकिन यही तो देखने आए तो मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो वाटरफॉल दिखे हैं तो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए, थोड़ा ऑफ रोड भी कर लेंगे। वो देखो सामने क्या प्यारे प्यारे वाटरफॉल है। हम देखते हैं टॉप में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते उधर। बस आगे तक नहीं जाएंगे। तो अंकल लोग गाय और बकरियां चरा रहे हैं। लगेज हमने ऐसा बांधा है इससे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन वहां से तो हम लोग निकल आए। लेकिन आप रोड चेक करो से और कॉर्नरिंग करने में जो मजा आ रहा है ना। हम लोग जा रहे हैं अभी रंडा वाटर, नेकलेस वाटरफॉल के आसपास ही है। और ये देखो क्या कॉर्नरिंग करने में मजा आ रहा है। सामने का व्यू, कॉर्नरिंग, रोड और वेदर मस्त एकदम। मैंने 5-6 साल से ये राइड का प्लान कर रहा था, लेकिन कभी ना कभी कुछ इश्यू। जब मैंने ये बाइक ली थी तब मैं सोचा था कि पहले मैं जाऊंगा मालसेज घाट के लिए और ये सब राइड करूंगा, लेकिन फाइनली इसके अभी 4 या 5 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं। इस पे मुझे जाना था और मैं, और हाँ हमारी जो मेन लोकेशन है ना वो मालसेज घाट है। शायद वो कल तो नहीं लेकिन परसों हम लोग मालसेज घाट के लिए निकलेंगे। से हम लोगों ने रंडा वाटरफॉल के लिए पार्किंग की पर्ची कटाई है, तो वाटरफॉल देखने के लिए बाइक लेके ही जाएंगे। सब लोगों ने यहाँ पे पार्क की है, हम लोग नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल। तो ये रिवर है और वहाँ पे है वाटरफॉल, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मस्त प्यारा सा ब्रिज बना हुआ है और शायद ये अंकल जो है वो फिशिंग करें। वहाँ तक नहीं जा रहे हम लोग, वहाँ पे ही जाएंगे। तो चलो ब्रिज पे आ गए हैं। यहाँ पे 3-4 है, वो भी है, वो भी है, वो भी है। वाटरफॉल बहुत सारे हैं यहाँ पे भी। और ऐसे छोटे छोटे जो ब्रिज बना ना एकदम मस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वाटरफॉल
वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए। तो ये देखो यहाँ का वाटरफॉल क्या मस्त है। रांडा वाटरफॉल से निकल आए नेकलेस वाटरफॉल के लिए और हमारे सामने ये व्यू चेक, ये देखो क्या मस्त वाटरफॉल है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से हमें लेना है पास, वो लेके हम लोग जाएंगे नेकलेस वाटरफॉल और तीन चार वाटरफॉल है, कैसा कैसा वाटरफॉल है। और ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बैटरी गोप्रो की ख़त्म होने वाली है। तो हरिश्चंद्रगढ़ के पास से फ़ोन आया है क्योंकि हम लोग शायद टेंट में रहने वाले हैं। ये चेक करो, ये डैम है, कुछ रास्ता होगा, मुझे बहुत सारे घर दिख रहे हैं। हम लोग अभी नेकलेस वाटरफॉल के पास में ही है। तो मैं आप लोग को कब से बता रहा था ना कि वाटरफॉल वाटरफॉल, तो उसी वाटरफॉल के पास में आ गए, मुझे नहीं पता था। लेकिन ये चेक करो, क्या प्यारा लग रहा है, क्या मस्त वाटरफॉल है ऊपर से और ये नीचे वाला। ये देखो और ये चेक करो, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल है और ये चेक कर सकते हो आप। और मैं अभी फोन से शूट कर रहा हूँ। वो रही हमारी बाइक, वो रहा जेनिल और ये रहा मैं। बहुत मजा कर रहे हैं हम लोग। और पीछे देखो वाटरफॉल। ये चेक करो क्या मस्त लग रहा है। और ये देखो ये रहा नेकलेस वाटरफॉल और बहुत सारे वाटरफॉल है। हम लोग आए हैं न्याही वाटरफॉल के पास, ये चेक करो कितना बड़ा है। हम देखो ऐसे गोप्रो ये रहा, लेकिन अभी गोप्रो में भी बैटरी नहीं है तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, बैटरी है ही नहीं। तो चलो ऊपर, ऐसा रास्ता है। मैं ये रहा, हेलमेट नहीं निकल रहा क्योंकि बहुत ही बारिश हो रही है, तो फटाफट ये कवर करते हैं। और ये देखो सीढ़ियाँ बने हैं तो अच्छी बात है। हम वाटरफॉल के पास आ गए हैं और ये चेक करो, मुझे ऊपर जाना था लेकिन यहाँ से रास्ता बंद है। और आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी या नहीं दे रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखो ये वाटरफॉल पे हम लोग आए हैं। GoPro में थोड़ी बैटरी बची है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। ये देखो बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है और बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। लास्ट बाय बाय। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। इंतजार की घड़ी ख़त्म होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं नेकलेस वाटरफॉल, लेकिन यहाँ का नज़ारा जो है मैं आपको दिखाऊंगा एकदम मस्त वाला। तो चलो मैं लेके चलता हूँ आपको नेकलेस वाटरफॉल के पास। ये चेक करो क्या प्यारा लग रहा है।
हम लोग ये नेकलेस वाटरफॉल को बाय बाय कहते हुए निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग होटल पे आ चुके हैं। वहां से बहुत ही बारिश हो रही थी, ज्यादा वीडियो शूट किया ही नहीं और गोप्रो मेरा बंद हो चुका था। अभी भी मैं फोन से ये एंड करने वाला हूँ। बहुत मजा आया, बहुत प्यारे प्यारे वाटरफॉल से आप लोगों ने देख लिए होंगे। जो बेस्ट था वो था हमारा नेकलेस वाटरफॉल, वो भी बहुत ही प्यारा था। अभी हम लोग है होटल में और यहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया और बहुत मजा किया। फोन चार्ज किया, गोप्रो सब चार्ज किया और सुबह हम लोग निकल रहे हरिश्चंद्र गढ़ के लिए, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, तो प्लीज वो भी देखना, बहुत मजा आने वाला है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ से कितना बड़ा लग रहा है और हमें जाना है ये रहा गेट। Pump up the baseline. Pump up the